निकालने के बाद जो खून निकलता है उससे ही ब्लड क्लॉट बनता है। ब्लड क्लॉट वो बूंद में रहना बहुत जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रेशमा कक्कर, चीफ डेंटिस्ट एट सुमेरु डेंटल। फ्रेंड्स, आज हम दांत निकालने के बाद क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने चाहिए उसके बारे में कुछ जानेंगे। दांत निकालने के बाद डेंटिस्ट आपको एक कॉटन पे बाइट करने को बोलेंगे। वो कॉटन आपको आधे घंटे तक दबा के रखना है। वो क्यों दबा के रखना है और क्यों इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है उसके बारे में हम लोग पहले इसका रीजन जानेंगे। अपना घाव अपने खून से ही भरता है। दांत निकालने के बाद जो खून निकलता है उससे ही ब्लड क्लॉट बनता है। ब्लड क्लॉट वो वुंड में रहना बहुत जरूरी है तो ही अपना हीलिंग फास्ट होता है। अगर ब्लड क्लॉट डिस्टर्ब हो जाता है तो हीलिंग डिलेड हो जाता है और पेशेंट को बहुत लंबे समय तक पेन रह सकता है। तो वो ब्लड क्लॉट कैसे अपनी जगह पे बनाए रखना है उसके बारे में मैं अभी एक इंस्ट्रक्शन दूंगी आपको। आपको हीलिंग साइट को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। वो कैसे, तो उसमें आपको बिल्कुल भी दांत निकालने के बाद 24 घंटे तक थूकना नहीं है, कुल्ला नहीं करना है। अगर आप थूकोगे कुल्ला करोगे तो वो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगा और जो ब्लड क्लॉट है वो वहाँ से हिल जाएगा या निकल जाएगा, तो हीलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड इंस्ट्रक्शन, दांत में जो कॉटन दबाया होता है वो निकालने के बाद आपको डेफिनेटली कुछ ठंडा खाना चाहिए। आप आइसक्रीम, दूध, जूस, मिल्कशेक कुछ भी ले सकते हो, पर याद रहे आइसक्रीम में बिल्कुल नट्स या चिप्स नहीं होनी चाहिए। यू कैन सिलेक्ट एनी कप और स्कूप वाला आइसक्रीम, आपको कोन वाला आइसक्रीम भी बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करना है। अगर आप जूस पी रहे हो या मिल्कशेक पी रहे हो तो उसको स्ट्रॉ की मदद से नहीं पीना है, आपको ग्लास से ही पीना है, क्योंकि स्ट्रॉ से भी नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होने के कारण अपना वुंड में जो ब्लड क्लॉट होता है वो हिल सकता है। आपको 24 आवर्स तक सॉफ्ट डाइट लेना चाहिए। आपको गर्म, तीखा, कड़क बिल्कुल नहीं खाना है। आप खाने में सॉफ्ट खाना जैसे कि दलिया, खिचड़ी, उपमा, इडली, शीरा, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। गर्म खाने से वहाँ पे जलन हो सकती है और कड़क खाने से वहाँ पे कुछ भी चुभ जाएगा तो आपको पेन हो सकता है। दांत निकालने के 24 आवर्स के बाद आपको सॉल्ट वाटर गार्गल्स डेफिनेटली करना चाहिए। 24 आवर्स के बाद मैं गार्गल्स करने का एडवाइस कर रही हूँ, 24 आवर्स तक बिल्कुल भी गार्गल नहीं करना है। 24 आवर्स के बाद गार्गल करने से आपको एडवांटेज है कि अगर वहाँ पे कुछ भी फूड पार्टिकल्स जमा हुआ होगा तो वो क्लियर हो जाएगा और आपको वहाँ पे बैड ब्रीथ नहीं आएगी। दांत निकालने के 24 आवर्स के बाद कई बार पेशेंट को स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग आने से पेशेंट कई बार डर जाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि भाई हमको स्वेलिंग क्यों आई। तो दांत निकालने के बाद थोड़ा नॉर्मल स्वेलिंग आना इज कॉमन, इसमें आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा मेडिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके डॉक्टर दांत निकालने के बाद 5 डेज का एंटीबायोटिक्स और पेन किलर का कोर्स बोलेंगे वही कंटिन्यू करना है और उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मेडिसिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार पेशेंट को स्वेलिंग आता है तो वो 3 दिन तक वैसे ही रहता है और 3 दिन के बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली वो कम हो जाता है। स्वेलिंग यूजुअली बिकम्स ओके विद इन 5 to 10 डेज। अगर दांत सर्जरी करके निकाला गया है तो वहाँ पे स्वेलिंग आना ऑब्वियस है। सो वी वुड एडवाइस कि दांत निकालने के बाद आप प्रॉपर आइस पैक लगाइए। 24 आवर्स तक आइस पैक लगाना एडवाइजेबल है, उसके बाद आइस पैक लगाने का कोई मतलब नहीं है। आइस पैक लगाने से देयर आर चांसेस कि स्वेलिंग थोड़ा कम आएगा। वन मोर एडवाइस, आपको दांत निकालने के बाद 24 आवर्स तक ब्रशिंग बिल्कुल नहीं करना है। वो इसीलिए कि अगर आप ब्रशिंग करोगे तो उसमें गार्गल्स करने पड़ेंगे एंड दांत निकालने के बाद गार्गल्स करना बिल्कुल अलाउड नहीं फॉर 24 आवर्स। एक और कन्फ्यूजन कई बार लोगों को रहता है, दांत निकालने के बाद वहाँ पे कुछ नुकीला लग सकता है, तो कई बार पेशेंट ऐसा सोचते हैं कि वहाँ पे कुछ दांत का पीस रह गया है और बार बार वहाँ पे टंग से या उंगली से टच करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा करना बिल्कुल अवॉइड करिए। अगर आप उंगली से टच करेंगे तो देयर आर चांसेस कि वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए। और कई बार वो दांत का पीस होता ही नहीं है, एक्चुअली इट्स अ बोन फ्रैगमेंट। दांत निकालने के बाद थोड़े दिन तक वो नुकीला रहता है पर ग्रेजुअली वो धीरे धीरे स्मूथ हो जाता है। वन मोर लास्ट एडवाइस, डोंट स्किप योर मेडिसिन रेगुलरली। जैसे डेंटिस्ट ने बताया है आप अपना मेडिसिन रेगुलर लें ताकि आपको इन्फेक्शन के चांसेस जीरो हो जाए। सो आई होप यू हैव गॉट ऑल योर आंसर्स कि आपको दांत निकालने के बाद क्या करना चाहिए। इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।